नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। लांजी, आरोपी कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, वह जुर्म से बचने के लिए लाख प्रयास कर ले, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सकता। 29 अक्टूबर को ग्राम ठेमा में नवविवाहिता ज्योति उर्फ प्रेमलता कुराही की मौत के मामले में सनसनी फैल गई थी। वह घटना के उपरांत उसके पति के फरार होने पर पुलिस द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि इस घटना को उसके पति ने अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा मृतिका के पति उमेश कुराहे को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। घटना के उपरांत चर्चा में यह भी बातें सामने आईं कि ज्योति कुराहे है, जो कि अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात करती थी, वह उमेश को पसंद नहीं था। इसी तरह एक बार की बात है, गर्रा में एक बार गला दबाकर मारपीट की घटना हुई थी। वहीं दूसरी ओर उमेश ज्योति को जान से ज़्यादा चाहता था, लेकिन दूसरों से बात करना उसे पसंद नहीं था। इसी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। इस गुत्थी को सुलझाने में लांजी SDM रविंद्र परमार एवं SDOP दुर्गेश आर्मू के प्रयासों से एवं समस्त स्टाफ के सहयोग से आरोपी को पकड़ा गया। 29 अक्टूबर को थाना प्रभारी बहेला सब इंस्पेक्टर अनूप यादव के द्वारा नवविवाहिता मृत्यु के संबंध में सूचना दी गई थी। इस सूचना पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और सब पंचायत नामा की कार्रवाई की गई। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर जो मृतिका थी उसके गले पर कुछ चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसका PM कराया गया। PM कराने के पश्चात शॉर्ट PM रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा गला दबाकर हत्या करने का ओपिनियन दिया गया। इस पर से अपराध कायम किया गया और मृतिका के परिजनों और मृतिका के ससुराल पक्षों के गठन दिए गए, जिन्होंने घटना के उपरांत उनके मृतिका के पति को घर से बाहर होना बताया, जिस पर कॉन्टेक्ट भी लगातार कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी और परिजन भी कर रहे थे, किंतु उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आज दिनांक 31 अक्टूबर को पुलिस टीम के द्वारा अंधिया टोला के जंगल से उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। खबर समय जगत के लिए लांजी से रुपेश राप्ते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।